नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद रिचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिचा शुक्ला। मित्रों, आज आप सभी से बात होगी छठे भाव के विषय में। अभी मैंने अपना एक पिछला वीडियो डाला था आठवें भाव के विषय में कि किस तरह से एर्थ हाउस को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखा जा सकता है, और आज मैं आपसे बात करूंगी उसी तरह छठे भाव के विषय में। मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी ये तीन त्रिक भाव हैं 6, 8, 12, 6, 8 और 12, उन पर मैं आपकी कुछ भ्रांतियां अगर दूर कर सकूं तो ये मैं अवश्य करूंगी। तो आज का वीडियो है छठे घर पर। सबसे पहले समझ ये लेंगे कि छठा घर है क्या। इसको अगर एक बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से समझना हो तो तीन बातें हैं कि रोग, ऋण और रिपु। इसी तरह से हम छठे घर की एनालिसिस करते आए हैं, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर कोई स्थान रोग का है तो वही हेल्थ का भी है, अगर कोई कर्जे का है तो वही पैसे का भी है, और अगर कोई एनिमी का है तो वही आपकी कंपटीशन में सक्सेस का भी है। क्योंकि अगर रोग होगा तो आपकी मतलब हेल्थ खराब होगी। तो यानी कि छठे घर से अगर हम हेल्थ देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि छठे घर में सबको रोग ही मिल रहा हो, कुछ लोगों को बहुत अच्छी हेल्थ भी मिल रही होगी। तो बस एक ही बात है कि अगर रोग, ऋण, रिपु है तो यही आपका हेल्थ है, यह आपकी डे टू डे की लाइफ है, आपकी रूटीन है, आपकी काम करने की क्षमता भी छठा घर दिखाता है। हमारे अंदर कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हैं, ये भी छठा घर ही दिखाता है। हम कब और कैसे कॉम्पिटिशन में सक्सेसफुल होंगे, ये भी हम छठे भाव से ही देखते हैं। ये सच बात है कि इन्हीं भावों से हम अपने रोग भी देखते हैं, इन्हीं भावों से हम अपने शत्रु भी देखते हैं, और इसी भाव से हम अपने कर्जे भी देखते हैं। तो मेरा जो विचार है, जो परसेप्शन है, वो यही है कि केवल एक विचार से एक घर की, एक हाउस की अगर आप एनालिसिस करेंगे तो अक्सर काफी परेशान होंगे। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूं उसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी अवश्य। सबसे पहली बात ये कि ये जो छठा घर है उसको हम अपनी कुंडली के हर भाव से किस तरह से कहां पर बैठा हुआ है उसको हम देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये मैं क्यों कह रही हूं। देखिए, पहले घर यानी लग्न से ये छठा भाव है, तो सही बात है कि ये आपकी फिजिकल फिटनेस को दिखा सकता है, ये आपके डेली रूटीन को दिखाता है, ये आपकी हेल्थ हैजार्ड्स को दिखाता है, ये आपके कर्जे को दिखाता है, ये आपके स्ट्रगल्स को दिखाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी सच है कि अगर लग्न लॉर्ड यहां पर चला जाता है या छठे घर का मालिक लग्न में चला जाता है तो स्ट्रगल्स तो आते हैं लाइफ में, लेकिन हम उनसे जीत जाते हैं। खास करके अगर लग्न लॉर्ड छठे भाव में होगा, स्ट्रगल देगा लेकिन आप उससे जीत जाएंगे। आप समझेंगे कि दूसरे घर से जो छठा घर होता है वो पांचवा भाव है। तो यानी कि ये हमारा जो लक्ष्मी का, मतलब हमारी जो वेल्थ का स्थान है या जो परिवार कुटुंब का स्थान है, इससे पांचवा स्थान यानी लक्ष्मी स्थान है। कुटुंब और हमारी वेल्थ से एक पांचवा स्थान है, लक्ष्मी स्थान बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण है, क्योंकि दसवें घर से पांचवा जो है वो आपका दसवां घर हो, छठे घर से पांचवा दसवां घर हो जाता है, दूसरे घर से नवा घर हो जाता है दसवां घर, और हमेशा जो ट्राइन होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। तो यानी ये अर्थ त्रिकोण में आता है छठा भाव। यहां से हम आपकी वेल्थ का बढ़ना, घटना, कर्जा सब कुछ देखेंगे। अगर सिक्स लॉर्ड अच्छी डिग्निटी के साथ प्लेस्ड होगा तो ये लक्ष्मी देगा, अगर ये वीक पोजीशन में होगा तो ये कर्जा देगा, पर दे दोनों चीजें सकता है।
मैंने अपना एक नीच के ग्रहों का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि अगर सेकंड लॉर्ड आपकी कुंडली का छठे घर में नीच का होता है तो उसकी दशा महादशा में आपके पास बहुत पैसा आ सकता है, इन जनरल भी आपके पास काफी पैसा हो सकता है। ये सिद्धांत कभी नहीं भूलेंगे कि 3, 6, 11 में खास करके नीच के ग्रह अच्छे होते हैं। तो दूसरे घर से अगर आप देखेंगे तो ये लक्ष्मी स्थान बन जाता है, अच्छा स्थान बन जाता है। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा लक्ष्मी पति है, ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है जो बिना कर्जा लिए हुए बड़ा आदमी बना हो, कभी सोचिएगा। व्यवसाय के लिए हर व्यक्ति कर्जा लेता है, बात तो बस ये है कि वो कर्जा आपकी जिंदगी का जंजाल बन जाएगा या आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा, ये आपकी पत्रिका को एनालाइज करके बताया जाएगा। इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लोग लेते हैं वो सब फाइनेंस कराते हैं और उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स जब पूरे होते हैं तब उन्हीं से लाभ आता है। तो कर्जा बुरी चीज नहीं है, कर्जे में फंसना और उससे नहीं निकल पाना एक बुरी चीज होती है। तीसरे घर से ये चौथा घर है, छोटे भाई बहनों का सुख का स्थान है। इसी तरह आपका जो पुरुषार्थ है, थर्ड हाउस हमारा पुरुषार्थ होता है, इसका सुख का स्थान है। यानी कि जब आप अच्छा वर्कआउट करते हैं, थर्ड हाउस हमारा क्या है, वर्कआउट एक्सरसाइज, तो जब आप अच्छा वर्कआउट करते हैं तो उसका सुख किस रूप में मिलता है, अच्छी हेल्थ के रूप में। तो तीसरे घर से चौथा घर यानी तीसरे घर के सुख का स्थान है, अच्छी हेल्थ मिल जाती है आपको। अगर थर्ड लॉर्ड सिक्स हाउस में होगा तो बढ़िया रहेगी हेल्थ आपकी, आप बहुत फिटनेस फ्रीक होंगे। चौथे घर से तीसरा घर है, इसीलिए ननिहाल का पक्ष देखा जाता है, माता का घर, माता के भाई बहन। तो हमारा जो चौथा घर हमारे एसेट्स वगैरह हैं उनको बनाने में, क्योंकि हमारे लिए अगर हम देखेंगे तो चौथा घर हमारा सुख का स्थान है, सुख के स्थान से तीसरा घर है, यानी हम अपने सुख को पाने के लिए, अपने एसेट्स बनाने के लिए क्या पराक्रम करेंगे, ये भी हम छठे घर से देख सकते हैं। छठा घर लिटिगेशन भी है, अगर अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो आपकी संपत्ति लिटिगेशन में फंस सकती है। समझ रहे हैं ना किस तरह से चीजें बदलती हैं। पांचवें घर से दूसरा घर है संतान का भोग, यानी कि आपकी बुद्धि का, विद्या का, आपके पूर्व जन्मों का सब कुछ जो भोग का है। दूसरा जो भी घर किसी भी हाउस से जो सेकंड हाउस होता है वो भोग का स्थान होता है, मतलब उससे क्या प्राप्त करेंगे आप, तो आपके पूर्व पुण्यों का क्या भोग होगा, ये भी छठा घर दिखाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि छठा घर जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कार्मिक एग्जॉशन का भी पॉइंट होता है। संतान आपकी कैसी निकलेगी, संतान किस पद पर जाएगी, अच्छी जाएगी बुरी जाएगी, ये भी आप देख सकते हैं, या संतान का धन कैसा होगा ये भी आप देख सकते हैं। पांचवें घर से दूसरा घर है। सातवें घर से बारहवां घर है, तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा स्पाउस है या हमारे जो फिजिकल यूनियंस हैं, पार्टनरशिप्स हैं, इनसे ये बारहवां घर हो जाता है। तो यहां पर थोड़ी सी मामला जो है, कहते हैं ना कि थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, अगर सातवें घर का मालिक छठे घर में अपने घर से बारहवें घर में चला जाएगा तो आपके संबंधों का व्यय होगा। कई बार सिक्स हाउस से भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देख सकते हैं, आप अपने सिक्स हाउस से, एट्थ हाउस से, ट्वेल्थ हाउस से, तीनों जगह से, इन त्रिक भावों से मैरिज से रिलेटेड कई मिस्ट्रीज सॉल्व कर सकते हैं। सो सातवें घर से बारहवां स्थान है, आठवें घर से यानी आयु के स्थान से ग्यारहवां स्थान है, आयु का लाभ। अब बताइए छठा घर आयु का लाभ कैसे हुआ, रोग देखते हैं ना आप, अगर छठा घर अच्छा होगा, रोग नहीं होगा तो अच्छी सेहत होगी, तो अच्छी लंबी आयु होगी।
पर अगर एर्थ लॉर्ड छठे घर में आ जाए और पीड़ित हो जाए तो ये आपकी आयु को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस से दसवां घर, यानी हमारे जो पिता हैं उसका उनका कर्म स्थान आप देख सकते हैं छठे घर से। पिता का स्टेटस भी छठे घर से देखा जा सकता है, क्योंकि पिता के घर से दसवां घर है, पिता का साम्राज्य, पिता का एम्पायर आप देख सकते हैं, और अपने धर्म का कर्म देख सकते हैं, यानी आप धार्मिक होंगे नहीं होंगे, किस तरह के आपकी रिलीजियस बिलीफ्स होंगे, ये भी आप छठे घर से देख सकते हैं। क्योंकि छठा घर लग्न से छठा है ये मत भूलिएगा, इसलिए अगर नाइन्थ लॉर्ड आपका छठे में होगा तो कई बार ऐसे लोग अपने धर्म को मानने से, और अगर पीड़ित अवस्था में है तो खास करके अपने धर्म को ना मानकर और धर्मों में अधिक रुचि लेते हैं, या फिर अपने धर्म के विरोधी भी हो जाते हैं, कई बार पिता के भी विरोधी होते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न से छठा, यानी हम जो जातक है उसकी जो शरीर है, पर्सनालिटी है, वो क्या करती है, वो धर्म से थोड़ा सा विरोध कर सकती है। पीड़ित अवस्था में होगा तो ज्यादा ऐसा होगा, पर थोड़ा सा मैंने देखा है ऐसे लोग रेबेलियस तो होते हैं। इफ नाइन्थ लॉर्ड गोज इन टू सिक्स हाउस और सिक्स लॉर्ड गोज इन टू नाइन्थ हाउस, दसवें घर से अगर आप देखते हैं तो दसवें घर से ये कौन सा स्थान हो जाता है बताइए? दसवें घर से नवा घर हो जाता है, हमारे कर्म का भाग्य। कर्म का भाग्य बताइए कितना बड़ा स्थान हो गया छठा घर, और आप केवल रोग ऋण रिपु मानकर छोड़ देंगे इसको? हमारे दसवें घर का भाग्य स्थान है। हम अपने कर्मों को किस तरह धर्म से जोड़ेंगे, क्या सामाजिक कार्य करेंगे, क्या अपनी सोसाइटी के लिए कार्य करेंगे, अपने कर्मों को कैसे विस्तार देंगे, हमारे विचार कैसे होंगे अपने कर्मों को लेकर, सब कुछ आप छठे घर से देख सकते हैं, या फिर छठे और दसवें घर के कनेक्शन से देख सकते हैं, प्रमोशंस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कर्म का भाग्य है। ग्यारहवें घर से आठवां घर, ग्यारहवें घर से आठवां घर यानी कि लाभ जो आपकी इनकम है उसकी मृत्यु दिखा रहा है, यानी आयु दिखा रहा है, कैसे भी कह लीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपनी जो आपकी इनकम हो रही है उसको आप कहां व्यय कर रहे हैं? आप अपनी सेहत पर कर रहे हैं, रोग पर कर रहे हैं, लिटिगेशंस पर कर रहे हैं, ऋण में फंसे हुए हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं सिक्स हाउस से। तो अगर लाभ से देखें तो ये आठवां घर है। बारहवें घर से सातवां घर है, और देखिए सातवें घर से बारहवां घर है, यानी भोग का स्थान है, भोग विलास का स्थान भी है छठा घर, क्योंकि सेवेंथ हाउस से बारहवां घर है, बारहवां घर शैया सुख। अब मैं बात कर रही हूं कुंडली के बारहवें घर से सातवां घर है, यानी किस तरह आप अपने स्पिरिचुअलिटी भोग विलास के बीच में एक संतुलन बनाते हैं, ये भी आप छठे घर से देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका मोक्ष जो स्थान है उसका सातवां घर है, और सातवां घर हमारा मृत्यु का मतलब मारक भाव होता है, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी को कौन मारता है? हमारा भोग विलास, हमारी आसक्ति जो होती है संबंधों में, उन्हीं में तो हम फंसे रहते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा पाते। तो छठे घर से आपने देखा कि आप इतनी सारी चीजें देख सकते हैं, और अगर आप इसी दृष्टि से किसी भी भाव को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एकदम मतलब आपको एक नई पिक्चर आपकी कुंडली की दे देगा। So, sixth हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है, क्योंकि ये 3, 6, 11 में भी आता है, 6, 8, 12 में भी आता है, मतलब त्रिषडाय भी है और त्रिक भी है, पर जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ट्रिकी हाउस है, इसकी एनालिसिस बहुत ही सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए,
तभी आपको अपने जीवन की एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। अब मैं आज बात कर लूंगी आपसे कि अगर कौन कौन सा ग्रह बैठा हो छठे घर में तो क्या रिजल्ट देगा। जनरल प्रिडिक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग बार बार ये कमेंट्स में करते हैं कि ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ लोग कहेंगे 100% सही है। ये जनरल प्रिडिक्शंस होते हैं। जिसकी कुंडली में और पैरामीटर्स नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको 100% नजर दिख जाती है, और जिसके में और पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं वो कहता है हमें ऐसा नहीं हो रहा। सो जनरली क्या होता है, अगर छठा घर है और उसमें सूर्य विराजमान है तो ऐसे लोगों की लाइफ का जो दिनचर्या होती है, जो नियम होता है, वो अपनी नौकरी के हिसाब से निर्धारित होता है, या ये कह लीजिए कि ये लोग अपनी नौकरी चाकरी में बहुत नियमित होते हैं, बहुत एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करते हैं और अपनी नौकरी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। छठे घर का सूर्य हमको हाई पोजीशन पर भी ले जाने वाला होता है, शत्रुओं को मारने वाला होता है, कॉम्पिटिशन्स में विजय दिलवाता है। जनरली चंद्रमा जो अगर छठे घर में होगा तो अक्सर ऐसे लोगों को दूसरे लोगों का इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल एंकर बनना पड़ता है और खुद के इमोशंस को बहुत ड्रेन करना पड़ता है। कई बार आपके अपनी माँ के साथ संबंध या माँ के इमोशनल बैलेंस को बनाने के लिए भी आपको अपनी एनर्जी बहुत खर्च करनी पड़ेगी। अगर मंगल छठे घर में है तो ये एक विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर अजात शत्रु कहा गया है शास्त्रों में मंगल को, यानी कि ऐसे लोग कॉम्पिटिशंस को बहुत आसानी से किल कर देते हैं। स्वास्थ्य के उसमें भी, क्योंकि मंगल है तो इनकी दिनचर्या फिक्स होती है, फिटनेस फ्रीक होते हैं और बहुत फिट रहते हैं, डायनेमिक होते हैं। मंगल की पोजीशन अच्छी है, पैशनेट भी बहुत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध विराजमान होगा, बुध काल पुरुष में छठे घर के रूलर हैं, अगर बुध होगा तो आप काफी रेस्टलेस होते हैं, आपको अपनी दिनचर्या बनाना, उसको फॉलो करना, इस तरह के कामों में आप बहुत लगे रहते हैं और कई बार बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। थोड़ा सिस्टम के साथ चलें, अपना रूटीन बनाएं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब रूटीन के पीछे अगर आप भागेंगे तो कई बार आप बहुत नर्वस ब्रेकडाउन तक के शिकार हो सकते हैं। हाँ, चलिए एक और बात बता देती हूँ, अगर छठे घर में सूर्य है तो हृदय से संबंधित बीमारी हो सकती है या लीवर से रिलेटेड। चंद्रमा है तो आपके लिए आपको लंग्स वगैरह की बीमारी हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ हो सकता है। मंगल है तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका बुध है तो आपको नर्वस ब्रेकडाउन होगा। अगर बृहस्पति छठे घर में बैठते हैं तो छठे घर का बृहस्पति मैं बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानती हूँ। ऐसे लोगों को हमेशा ही बहुत बार कहते हैं ना कि मतलब बहुत गलतियां करके सीखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। स्टेटस को अपलिफ्ट करने में ये बृहस्पति बहुत मदद करता है। और अगर रोग की बात करें तो आपकी इंटेस्टाइन्स स्टमक से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, कई बार शुगर भी दे सकता है। शुक्र बैठा होगा तो क्या होगा, शुक्र जो है वो क्योंकि छठे घर में नीच के होते हैं तो कई बार आपकी स्त्री रोगी हो सकती है, मतलब स्पाउस रोगी हो सकती है, या फिर स्त्रियों से रिलेटेड किसी स्कैंडल में आप फंस सकते हैं, किसी सेक्सुअल डिजीज में आपको हो सकती है। शुक्र या व्यापार में कभी कभी हानि करा देते हैं। शुक्र की पोजीशन भी बहुत अप्रिशिएटेड सिक्स हाउस में नहीं है। अब बात होगी कि अगर शनि छठे घर में बैठे हुए हैं तो क्या होगा। शनि की भी पोजीशन एक अच्छी पोजीशन है। जिसका भी शनि होता है तो ऐसे लोग मतलब दे आर ऑल रेडी, मतलब वो हमेशा तैयार होते हैं जीवन के स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए, और उसको वो बहुत अच्छी तरह से फेस करते हैं, अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं, बहुत मेहनत परसिवियरेंस और जिसको आप कहते हैं दृढ़ता के साथ, शिद्दत के साथ चैलेंजेस को फेस करते हैं। अगर रोग की बात करें तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज शनि यहां पर दे सकते। राहु की पोजीशन छठे घर में काफी अप्रिशिएटेड है, अच्छी है, कम उम्र से आप कमाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट का गुण आपके अंदर बहुत अच्छा होता है, दवाइयों का कभी कभी रिएक्शन आपके ऊपर हो सकता है या रोग जो है वो डायग्नोस ना हो ऐसा हो सकता है। आज बहुत गर्मी है, एसी भी काम नहीं कर रहा लगता।
और केतु की अगर बात करूं तो केतु जो है छठे घर में, आपको समझिए कि अगर केतु है तो अपनी जिंदगी को एक क्लॉक बना लीजिए, एकदम फिक्स्ड नियमित दिनचर्या का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सेहत, आपकी नौकरी, आपकी चाकरी सब खराब होगी। और अगर आप नियमित दिनचर्या फॉलो करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स केतु देने लगता है। अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। तो इस ये थी सारे ग्रहों की विवेचना शॉर्ट में, और सिक्स हाउस को किस तरह से देखें ये भी आज मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। ये एक बार और इसके साथ एक बात बता देती हूं कि छठे घर का मालिक अगर हॉरोस्कोप में नीच का होगा तो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। छठे घर में उच्च का ग्रह आपकी कुंडली में ना हो तो ब्लेसिंग है। छठे घर में अगर कोई ग्रह नीच का है तो आपके लिए वो अच्छा है। तो सिक्स हाउस में उच्च के ग्रहों का होना बहुत अच्छा नहीं मानती हूं मैं, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि अच्छा नहीं होता। ठीक है, सो नीच के ग्रह अगर बैठे हैं या छठे घर का मालिक कहीं नीच का है तो वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये थी मेरी एनालिसिस कुंडली के छठे भाव में। और ये सोशल सर्विस का भी एक बहुत बड़ा स्थान होता है, अगर छठा घर एक्टिवेटेड होता है, शनि बैठा हो तो भी आपको बहुत सर्विस ओरिएंटेड कार्य करवाता है, और आप अपने कर्मों को समाज के लिए, समाज सेवा का कार्य करके एग्जॉस्ट करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।